दिस इज चांदरानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग ट्रेन्स सो देर आर सो मैनी ट्रेन्स जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं जिनकी जो जर्नीज हैं डेस्टिनेशंस हैं सर्विसेज हैं और टिकट प्राइस भी जो है बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग अमेजिंग और एस्टोनिशिंग है तो यही सारे फैक्टर्स आज हम देखने वाले हैं इन टेज वीर बिकज वी नीड टू नो अबाउट सम ऑफ दी ट्रेन्स अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर यू नो फॉरन कंट्रीज में ही अमेजिंग सी ट्रेन हैं नो no. इंडिया में भी बहुत सारी लाइक देर आर मल्टीपल ट्रेन्स जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं जिनकी सर्विस अगर आप पढ़ेंगे तो भी आपको ऐसा लगेगा कि काश हम एक बार इस ट्रेन में ट्रेवल कर पाए एंड एक जो ट्रेन है आई होप आप सबको पता ही हो बिकॉज इट वॉज सो मच फेमस या इट इज सो मच फेमस दैट इज द महाराजा एक्सप्रेस और ऐसे ही कुछ ट्रेन में आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले हम कुछ ऐसी ट्रेन देखेंगे जो कि वर्ल्ड वाइड लाइक आउट ऑफ इंडिया फेमस है ठीक है और फिर हम एक साथ बहुत सारी इंडिया की ट्रेन के बारे में डिस्कशन करेंगे सो ओवरऑल यू विल गेट अ वाइड व्यू बेस्ड ऑन डिफरेंट ट्रेन दैर इज डेफिनेटली गोइंग टू मेक दिस वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग और जैसे कुछ लोगों का सपना होता है ना फ्लाइट में बैठने का और हर किसी का होता है ठीक है मेरा भी था इसी तरीके से सबका है और होना भी चाहिए एक बार यू नो आसमान में ट्रैवल करने का दैट इज टू ट्रैवल बाय अ फ्लाइट और वैसे ही जब आप इन ट्रेन के बारे में जानोगे तब आपकी जो लिस्ट है बकेट लिस्ट उसमें इन ट्रेन में बैठने का भी जो सपना है वो जागृत होगा सो लेट्स बिगिन विद वेरी वेरी फर्स्ट ट्रेन दैट इज दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है इसको डीएचआर या टॉय ट्रेन के नाम से बहुत ज्यादा जाना जाता है तो इस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इसीलिए हम दार्जिलिंग हिमालय ट्रेन पढ़ेंगे डीएचआर क्या है Darjling, और और क्या कहते हैं टॉय ट्रेन कुछ इस तरीके की दिखती

DHR was built in the British era between 79 and 1881. So 1879 से लेकर 1881 तक British era में ये जो particular train है वो build की गई थी and this is something जिसको toy train के नाम से भी जाना जाता है and it is the railway जो New Jalpuri Darjeeling में Uh, से लेकर यू नो इन द वेस्ट बंगाल इट गोज है सो न्यू जल एंड दार्जिलिंग के बीच में ये ट्रेन रन करती है नंबर टू आपसे ये भी पूछा जा सकता है लाइक like अभी लेटेस्ट एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा भी गया था वन ऑफ द्वेस्ट शोज में कि दार्जिलिंग कहां पर है इट इज इन वेस्ट बंगाल ठीक है सो इस तरीके से छोटी छोटी जो बातें हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं जरूरी नहीं है सिर्फ जो टॉपिक पढ़ रहे हो वही पढ़ना जरूरी है उसके अलावा भी कुछ फैक्ट मिलता है डू गो थ्रू इट क्लियर ऑल राइट The Darjeeling Himalayan Railway has been a UNESCO World Heritage Site since 1999, and the amazing thing is that it is the second railway to have such an honor. तो ये जो रेलवे है पूरा रेलवे जो ट्रैक है या पूरा जो कंप्लीट सिनेरियो है ये कहलाता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को हम पढ़ चुके हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और यही अनाउंस करते हैं हेरिटेज साइट्स को राइट हेरिटेज साइट क्या होता है जिसके बारे में हम जिससे यू नो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता नंबर वन और जिससे आगे की जनरेशन आर्किटेक्चर हिस्ट्री कल्चर इन सब के बारे में जानेगा सो so, इस तरीके से उसे कल्चरल हेरिटेज साइट घोषित कर दिया जाता है प्रोक्लेम कर दिया जाता है एंड दैट इज़ हाउ ये जो है राजलिंग हिमालयन रेलवे दिस हैज़ ऑल्सो बीन अनाउंस्ड एज वॉट एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट

So, वो थर्टीन स्टेशन कौन से सबसे पहले तो ऑब्वियसली जो सोर्स स्टेशन है वो क्या है न्यू जलपाईगुड़ी कहां स्टॉप करता है फाइनल डेस्टिनेशन इज दार्जिलिंग राइट तो बीच में कौन कौन से स्टेशन हैं सिलीगुड़ी टाउन आई होप आपने सुना हो सिलीगुड़ी का नाम सिलीगुड़ी जंक्शन देन सुकना रोंगटोंग तिनधारिया गायाबरी महानदी कुर्सीग टुंग सोनादा गुम एंड दार्जिलिंग ठीक है तो ये टोटल स्टेशंस हैं जहाँ पर ये ट्रेन हॉल्ट लेती है या स्टॉप करती है और बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल यू नो व्यूज़ होते हैं जहाँ पर भी ये ट्रेन जा रही है जो ये टोटल जो पूरा डिस्टेंस कवर हो रहा है सो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ एन अमेजिंग राइड विच इज़ लाइक फिल्ड विथ सीनिक ब्यूटी और इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है नेक्स्ट बात करने वाले हैं बर्नीना एक्सप्रेस की सो द बर्नीना एक्सप्रेस इज अ ट्रेन कनेक्टिंग इन स्विट्ज़रलैंड, टू पोस्टियावो इन स्विट्ज़रलैंड एंड तिरानो इन इटली बाय क्रॉसिंग द तो ये जो ट्रेन है, in है वो कनेक्ट करती है देवोज इन स्विट्जरलैंड टू पोस्टियावो इन स्विटरलैंड और फिर किसको कनेक्ट करती है तिरानो इन इटली ठीक है तो स्विट्जरलैंड से इटली कनेक्ट कर रही है नंबर वन पॉइंट बाय क्रॉसिंग द स्विज एंगडिन एल्प तो इस तरीके की दिखती है ये ट्रेन ठीक है और ये एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सीनरी आप देख सकते हो सो दिस इज़ हाउ इस सीनिक ब्यूटी की वजह से भी इसे लोग बहुत ज़्यादा यू you नो know, ट्रैवल करते हैं एंड ऑल्सो बिकॉज दिस ट्रेन इज़ वेरी नाइस टू ट्रैवल विद और बाकी की यू you नो know, कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ ऐसी डेस्टिनेशन होती हैं जहाँ पे कुछ ही ट्रेन ट्रैवल करती हैं तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं ठीक है ठीके? तो ओवरऑल अभी एजेंडा क्या है कि कहाँ से कहाँ तक जाती है दूसरी बात ये क्रॉस करती है स्विस एमडिन एल्प्स को जो कि एक और बहुत प्रमुख चीज़ है या डेस्टिनेशन है जिस वजह से भी ये ट्रेन जानी जाती है क्लियर ओके okay. Along the way, the Banina Express rolls over the 65 meter high land Vassar Viaduct, the signature structure of Rhetian Railway and the UNESCO World Heritage Site. So, ये जो train है, ये अपनी train की जो भी journey है इसकी, उस दौरान ये 65 meter high एक land Vassar Viaduct है. This is the name, ठीक है? और ये है क्या? ये एक ऐसा structure है, जो कि Rhetian Railway का एक बहुत ज़्यादा प्रमुख या बहुत ज़्यादा signature structure है, और

तो वो ज़्यादातर यही बताता है कि बहुत ज़्यादा स्पीड से चलती है वो ट्रेन बट कुछ ऐसी भी ट्रेन्स हैं जिसका नाम भले ही एक्सप्रेस हो बट वो स्लोएस्ट ट्रेन की कैटेगरी में भी आती है ठीक है आगे जाके हम देखेंगे भी एक ट्रेन जिसके नाम में तो एक्सप्रेस है बट वो बहुत स्लो चलती है क्लियर सो बैलवेंड हिरम बिंगम इज अ लग्जरी ट्रेन ऑपरेटिंग डेट रिटर्न ट्रिप्स फ्रॉम पोरोय स्टेशन आउटसाइड कस्को टू ऑगुआस केलियंट द स्टेशन फॉर माचू पिचू इन पेरू तो ये भी क्या है अलग ही मतलब आई नो वियर्ड लग रहा होगा आपको जो नाम है बिकॉज हम ज्यादातर सुनते नहीं है इन जगहों के नाम बट ठीक है पहली बार सुन रहे हो पहली बार ही किसी और सिटी का भी नाम सुना होगा सो तो दिस इज हाउ थोड़ा बहुत ऐसे यू नो जानने पहचानने लगोगे ऐसे नामों को सो so, जो ये बेलमेंट हिरम बिंगम है ये एक लग्जरी ट्रेन है नंबर वन और ये जो है डे रिटर्न ट्रिप्स को ही ऑपरेट करती है दूसरी बात ये कहाँ पर पोरोय जो है वहां से लेकर जो माचू पिचू स्टेशन है इन पिरु वहां तक ये ट्रैवल करती है कैसे दिखती है ये ट्रेन जस्ट सी दिस इज द ट्रेन ठीक है हिरम बिंगम और ये इस तरीके की दिखती है डन ओके okay.

आर संघ इन अ रिलैक्स एटमोस्फेयर तो किसी ट्रेन में एक ऑनबोर्ड एक शो हो जो कि एक सिंगिंग शो है एक म्यूजिक शो है तो बहुत बड़ी बात है राइट तो ये एक ट्रेन लग्जूरियस है डेफिनेटली एक पॉइंट ये भी प्रूव करता है इस चीज को क्योंकि एक म्यूजिक शो जो है वो ऑन बोर्ड रन किया जाता है इसी ट्रेन में एंड ऑल्सो पेरूवियन सॉन्ग्स जो है वो बाहर का जो एटमोसफेयर होता है तब ब्यूटिफुल वहां पर भी ये प्ले करते हैं ताकि यू नो एक तरीके से एक्सपीरियंस मिले एक लग्जूरियस अनफॉर्गेटेबल एक्सपीरियंस पैसेंजर्स को क्लियर ओके नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट रॉकी माउंटेनियर ट्रेन ज द ट्रेन विच ऑपरेट्स ट्रू कैनेडियन रॉकीज इन ईदर डायरेक्शन टू वनक फ्रॉम बैंप एंड लेकुज और जास्पर ओकेज समय अलग अलग नाम है इसमें प्लेस के सो दिस कैन बी अल लाइक स्ट्रेंज फॉर यू बट ठीक है एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर इट सो ओवरऑल क्या है कि कैनेडियन रॉकीज की बात हो रही है ईदर डायरेक्शन जो भी दोनों डायरेक्शन है वेदर ही टू वन कोवर फ्रॉम बैंप या फिर लेक लुएस और जास्पर ठीक है मतलब दोनों डायरेक्शन जो है जो कि कैनेडियन रॉकीज के पास होते हैं

यहाँ पे एक पॉइंट पता चलता है कि ये जो ट्रेन होती है इनकी सर्विसेज होती है इसके लिए भी इनको अवार्ड दिया जाता है तो हर एक चीज का रेकग्नेशन है दुनिया में ठीक है तो यहां पर एक जो ये पूरा पर्टिकुलर जो अवार्ड अनाउंस करता है उनमें से एक कौन है वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड ठीक है सो दिस इज समथिंग जो कि अनाउंस करते हैं अवार्ड को और सात बार किसे अवार्ड मिला है रॉकी माउंटेनियर ट्रेन को किस चीज के लिए इसकी गोल्ड लीव सर्विस के लिए और टाइटल क्या मिला है अवार्ड को मतलब अवार्ड का टाइटल क्या है वर्ल्ड लीडिंग ट्रैवल एक्सपीरियंस बाय ट्रेन ठीक है सो रॉकी माउंटेनियर ट्रेन इज बीन अवार्डेड फॉर इट्स गोल्ड लीव सर्विस बाय वर्ल्ड ट्रैवल awards that too for 7 times as the world's leading travel experience by train

उज तो ये दो वर्ड ये जो दो अवार्ड हैं इस पर क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा जा सकता है सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट क्लियर सो ये जो दो अवार्ड हैं आई होप ये याद रहने वाले नेक्स्ट रॉकी माउंटेनियर ट्रेन में द सोसाइटी ऑफ अमेरिकन ट्रैवल राइटर्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोफेशन एंड ट्रैवल जर्नलिस्ट एंड फोटोग्राफर्स रेटेड द रॉकी माउंटेनियर द दर्ल्ड टॉप ट्रेन राइड इन 2009. तो 2007 क्या हम बात कर चुके हैं लीडिंग जर्नी बाय ट्रेन है ना फिर दो में क्या मिला है वर्ल्ड स्टॉप ट्रेन राइड

ठीक ठीक है 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 सो शी हुआ हुआ भी बोलते हैं है? बहुत फनी नेम बट याद हो जाएगा इसी तरीके से इज द ओनली ट्रेन फॉर ट्रेवल फ्रॉम मैक्सिको तो मैक्सिको से जो ट्रेवल कर रहे हैं उनके लिए अकेली यही ट्रेन है ठीक है नाम क्या एल चेपे और इसको शी हुआ हुआ पेसिफिको भी बोलते हैं इसी ट्रेन को इट कवर सिक्स फिफ्टी किलोमीटर ऑफ रेलवे लाइन साढ़े छ सौ किलोमीटर जो रेलवे लाइन बिछी होती है उसको ये कवर करती है इट क्रॉसेज द कॉपर कैनियन कॉल्ड द बरांका का डेल

द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन सीरीज आर क्रील एंड डिवी साड्रो दे आर द टू टूरिस्ट सीरीज अलॉन्ग द जर्नी तो ये जो जर्नी होती है साढ़े छः सौ किलोमीटर्स की इसके बीच में दो ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स आते हैं जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली विजिटेड है बाय द टूरिस्ट ऑब्वियसली जो यात्री आते हैं लाइक फ्रॉम अदर कंट्रीज तो ये जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है दो सीरीज वो क्या है क्रील एंड डिवी साड्रो और यही दो हैं जिसके थ्रू ये ट्रेन पास होती है वेनेवर लाइक ये जो जर्नी में अगर आप ट्रेवल करते हैं ट्रेन से तो विद इन द जर्नी आपको ये दोनों सीरीज देखने को मिलेंगी क्लियर ओके नेक्स्ट बात करते हैं द ग्लेशियर एक्सप्रेस ठीक है दिस इज हाउ द ट्रेन लुक्स लाइक एंड यू कैन सी स्नो ई स्नो है जहां से ये ट्रेवल कर रही है ट्रेन सो दिस इज आल्सो नोन एज जी ई एक्स यानी ग्लेशियर एक्सप्रेस क्लियर is a direct train connecting railway stations of the two major mountain resorts of Germat and Saint Moritz via Endermath in the central Swiss. एल्प्स तो ये जो है वो एक डायरेक्ट ट्रेन है ठीक है मतलब सीधी ट्रेन है ये और कनेक्ट करती है दो रेलवे स्टेशन को जो माउंटेन रिजॉर्ट्स हैं दो मेजर और वो है जरमैट एंड सेंट मॉरिड्स अंडर मैट इन द सेंट्रल स्विस एल्प्स ये नाम याद नहीं भी रहते हैं कोई बात नहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दो तीन बार पढ़ो शायद याद हो जाए ठीक है अदरवाइज आप क्या कर सकते हो इनके बारे में और डिटेल देख सकते हो आप पिक्चर्स देख सकते हो इनके ऊपर या कोई वीडियोज हो वो देख सकते हो ताकि यू नो आपको क्लियर हो कि अच्छा ये ट्रेन जर्नी कैसी होती है कहाँ से पास ऑन हुई है तो और अच्छे से याद हो

तो so, ये दो और जगह है Piz Bernina और यहाँ से भी यहां तक ट्रैवल करने के लिए जानी जाती है ये ट्रेन द फर्स्ट ग्लेशियर एक्सप्रेस स्टार्टेड ऑन 1930 जून दू साढ़े सात बजे इन जर्मैन ठीक है तो ये भले मत याद रखो बट 1930 सौ में पहली बार ये ट्रेन चली थी फर्स्ट ग्लेशियर एक्सप्रेस वो जरूर याद रख सकते हैं कहां पर इन जर्मैट क्लियर ओके नेक्स्ट बात करते हैं द महाराजाज एक्सप्रेस आई थिंक अब यहां से हम सिर्फ इंडियन ट्रेन की ही बात करने वाले हैं आई थिंक सो तो सबसे पहली बात तो करते हैं द महाराजा एक्सप्रेस बहुत ज्यादा फेमस है ये ट्रेन देख भी सकते हो देखने में भी कितनी लग्जूरीस लग रही है लिखा हुआ है महाराजा एक्सप्रेस यू कैन सी द लोगो लाइंस बने हुए हैं स्टाफ इस तरीके से ये जो ट्रेन है बहुत जानी जाती है बिकॉज ये सिर्फ ट्रेन नहीं है बहुत ही लाइक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस है यू गेट एवरी थिंग बहुत अच्छी सर्विसेज होती हैं इस ट्रेन में और टिकट फेयर भी ज्यादा ही होता है थिंक शायद टेन थाउजेंड की नाइन थाउजेंड से बिगिन होती है इसकी ट्रेन टिकेट वन वे की सो द महाराजाज एक्सप्रेस इज अ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन एक फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद हो गया वो है आई आर सी टी सी जब आप ट्रेन टिकट बुक करते हैं आपको पता होगा अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो ऑफलाइन में तो यू डोंट हैव टू लाइक अंडरस्टैंड ये सारी चीज़ें बट ऑब्वियसली जब आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो आपको आई आर सी टी सी में लॉग इन करना पड़ता है ऑब्वियसली रेलवे से कुछ रिलेटेड है आर तो बट बाकी क्या है सो आईआरसीटीसी मतलब इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ठीक है बिकॉज ऑब्वियसली जो टूरिस्ट लोग हैं इंडिया में आ रहे हैं या आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं ऑब्वियसली विल बुक टिकट्स वाया दिस प्लेटफॉर्म आईआरसीटीसी इसीलिए भी आपको याद रह सकता है केटरिंग एंड टूरिज्म और क्या है कॉरपोरेशन सो इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन को क्या बोलते हैं आईआरसीटीसी एक इंपॉर्टेंट फॉर्म पता चल गया और आईआरसीटीसी ही है जो महाराजा एक्सप्रेस जो कि एक लग्जूरियस ट्रेन है इसको ऑपरेट करती है इट इज ओल्ड बाई इट ठीक है द लग्जरी ट्रेन सर्विस वॉज स्टार्टेड इन मार्च टू थाउजेंड टेन ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि महाराजा एक्सप्रेस कब स्टार्ट हुई थी दो हजार दस में कौन से मंथ में इन द मंथ ऑफ मार्च क्लियर किस तरीके से दिखती है एक तो सिर्फ छोटी सी जला के अभी हम और भी ज्यादा पिक्चर्स देखेंगे इट इज पॉपुलरली नोन एज द इंडियन वर्जन ऑफ ओरियंट एक्सप्रेस ऑफ यूरोप तो यूरोप की एक ट्रेन है ओरियंट एक्सप्रेस ठीक है और उसी का ऐसा माना जाता है ये इंडियन वर्जन है क्लियर इंडियन वर्जन ऑफ ओरिएंट एक्सप्रेस ऑफ यूरोप किसको माना जाता है द महाराजाज एक्सप्रेस बीकानेर जयपुर जोधपुर उदयपुर एंड रंथम आर कवर्ड इन द रॉयल राजस्थान टूअर अबॉर्ड द महाराजाज एक्सप्रेस तो महाराजाज एक्सप्रेस जो है वो एक राजस्थान टूर ट्रेन है ठीक है और ये सारी जगह जो कि बहुत फेमस है बीकानेर उदयपुर जोधपुर एंड देन यू हैव जयपुर यू हैव रंथम बोर तो ये जो रॉयल राजस्थान में मतलब इफ यू सी दीज प्लेसेस और हिस्टोरिकल या आप मूवीज वगैरह भी देखते हो देर इज लाइक बहुत ज्यादा राजा टाइप फीलिंग है ना मतलब बहुत होता है तभी तो, तो लिखा है नाम महाराजाज एक्सप्रेस क्लियर तो ये सारी जगह से ये ट्रेन जो है आपको लेके जाती है यू गेट लाइक अ रॉयल राजस्थानी टूअर एक्सपीरियंस जब आप इस ट्रेन से ट्रैवल करते हो महाराजाज एक्सप्रेस in a लीडिंग at ट्रेन सेवन टाइम्स इन एट कौन से अवारयस में 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ठीके? तो आप याद रख सकते हैं जो है न रो बोला है तो 2012 से लेकर 2018 तक हुआ ना सेवन टाइम्स है ना यू कैन सी काउंट यू कैन काउंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है ना तो सात बार लाइक like, 2012 से लगातार सात सालों तक इसी ट्रेन को ता महाराजा एक्सप्रेस को वर्ल्ड की लीडिंग लग्जरी ट्रेन का अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड में ठीक है इसलिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना बिकॉज सात साल तक एक ही ट्रेन को अवार्ड मिलना छोटी बात नहीं है एंड यू विल ऑल्सो गेट टू नो द रीजन की क्यों ये अवार्ड दिया जाता है बिकॉज वी विल डिस्कस दीज सर्विसो क्लियर ओके Maharaja's Express also received the first runner-up award in the specialist train operators category at Condé Nast Travelers Readers' Choice Travel Award in 2011. Yani 2011 mein ek readers' Choice hota hai. Reader's Choice यू नो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं लाइक like, कोई क्रिटिक चॉइस होता है कोई ऑडियंस पीपल्स चॉइस होता है है ना वैसे एक होता है रीडर्स चॉइस अवार्ड तो ये जो ट्रैवल अवार्ड था जो कि कहाँ से दिया जाता है लाइक इट इज गिवन इन कॉन्डे कॉन्डेनैस ट्रैवलर्स अवार्ड लाइक कैटेगरी उस कैटेगरी में फर्स्ट रनर अप में इन द स्पेशलिस्ट ट्रेन ऑपरेटर्स कैटेगरी अवार्ड दिया गया था महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन को दो में ठीक है द ट्रेन coaches ऑफ जूनियर suits आर named आफ्टर द प्रेशियस जेम्स gemstones पढ़े थे हमने है ना तो ये जो ट्रेन है ना इसकी जो स्वीट्स होते हैं लाइक like अगर आप कभी होटल वगैरह में या कभी ऐसे आपने स्टे वे किया हो तो आपको पता होगा कि एक स्वीट रूम होता है मीठा वाला नहीं स्वीट एस यू आई टी ई वाला स्वीट रूम जो कि ना बहुत ज्यादा लग्जूरियस होता है यू गेट एवरी फैसिलिटी एंड स्टाफ तो ऐसे ही इस ट्रेन में भी यू हैव डिफरेंट डिफरेंट स्वीट्स ठीक है सो जो इसके जूनियर स्वीट्स हैं उसके नाम किस पे रखे गए हैं जेम स्टोन्स पे जो कि रत्न है उनके ऊपर नाम रखा गया है जैसे मोती पन्ना पुखराज एक्सेट्रा ठीक है मोती क्या होता है एक फल है ना देन यू हैव पन्ना विच इज एमर हम पढ़ चुके हैं एंड यू हैव पुखराज जिसे कहते हैं सफायर तो ऐसे करके धीरे धीरे जो नाम है वो रखे गए हैं इन जूनियर स्वीट्स के द फोर्टीन कोचेज डिवाइडेड इंटू फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबेन्स जो कि नाम है डीलक्स केबिन, जूनियर स्वीट स्वीट एंड प्रेसिडेंशियल स्वीट तो ये जो कोचेज हैं इस ट्रेन के उसको डिवाइड किया गया है चार कैटेगरीज में एक है जिसे कहते हैं डीलक्स ठीक है है दूसरा जूनियर स्वीट जिसके ये रत्नों पे नाम रखे गए हैं देन यू हैव स्वीट एंड देन प्रेसिडेंशियल स्वीट ठीक है तो बेस्ड ऑन आप कौन सी टिकट का प्राइस पे कर रहे हैं आप कौन सा वाला स्वीट चाहते हैं उस तरीके से ये डिवाइडेड है सो हम इमेजिन कर सकते हो तो मतलब पढ़ने में इतना लग्जूरियस फीलिंग आ रहा है तो अगर ये ट्रेन में कोई ट्रैवल करता है तो क्या ही अलग फीलिंग होगी है ना नेक्स्ट बात करते हैं महाराजाज एक्सप्रेस डीलिक्स कैबिन लाइक जो पहला केबिन है हमने बात किया नेम्ड आफ्टर प्रेशियस जेम जैसे हकीक जिसे अजेट कहते हैं देन यू हैव Cartella, amethyst, biruj, and pitonia, that is ये नाम याद नहीं रखना है कोई दिक्कत नहीं है बट ये पता होना चाहिए कि इस ट्रेन में स्वीट्स के नाम जो है वो जेम स्टोन या स्टोन्स या रत्न के ऊपर रखे गए हैं इट्स नॉन अदर देन द महाराजा एक्सप्रेस अगेन यू कैन सी द पिक्चर्स इस तरीके से यू गेट ऑल द फेसिलिटीज ऐसा लगता है होटल रूम ही बना हुआ है ट्रेन के केबिन में तो ये नॉर्मल ऐसे सीट वाली जर्नी नहीं होती है बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है इस ट्रेन का बहुत ज्यादा फेमस भी है इसीलिए एंड दिस इज हाउ यू गेट एन ऑल्सो यू गेट पीपल जो आपको वेलकम करते हैं फ्लाइट में नहीं होता यू हैव एयर यू हैव हॉस्टेस या तो जो कि आपका पूरा मतलब ध्यान रखते हैं दे गिव यू ऑल वट यू रिक्वायर सिमिलरली यहाँ पर भी इन द ट्रेन यू गेट वो लग्जूरियस फीलिंग सिमिलरली लाइक यू वुड गेट इन अ फाइव स्टार होटल एंड सो तो इस तरीके से ये जो स्वीट्स हैं इनका नाम जो है वो रत्नों पे रखा गया है ये आपको पता होना चाहिए क्लियर ओके okay.

डिफरेंट नेम्स जैसे देख सकते हो ये स्वीट केबिन है इसमें आप यू कैन सी लाइक एक टोटल फाइव स्टार होटल जैसा पूरा बनाया गया है इन द ट्रेन बहुत बड़ी बात है सिमिलरली दिस इज वॉट दिस इज द प्रेसिडेंशियल स्वीट लाइक एक बहुत बड़ा कोई घर ही बना हो अंदर ठीक है इसलिए भी आप समझ सकते हो क्यों इसको वर्ल्ड लीडिंग लग्जरी ट्रेन का अवार्ड दिया जाता है ऑब्वियसली इससे ज्यादा लग्जूरियस क्या ही होगा है ना सो दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो समथिंग जिसकी वजह से मैंने बोला था कि लोगों की बकेट लिस्ट में होता है ना कि फ्लाइट से ट्रेवल करना है ना माइट भी ट्रेन से ट्रेवल करना है ये भी बकेट लिस्ट में आ सकता है बिकॉज़ अमेजिंग इट इज क्लियर ओके नेक्स्ट बात करते हैं पैलेस ऑन व्हील्स जैसे कि नाम ही बोल रहा है ट्रेन कि पहियों पे एक पूरा महल एक पैलेस ठीक है यानी ये जो ट्रेन है ये किसी पैलेस से कम नहीं है दिस इज अगेन वन ऑफ दी मोस्ट लक्ज़ुरियस ट्रेन्स

क्या करना चाह रहे थे कि राजस्थान का टूरिज्म जो है वो प्रमोट हो इसीलिए उन लोगों ने ये जो ट्रेन है उसको एक साथ लॉन्च किया ठीक है नाम क्या है पैलेस ऑन व्हील्स इस तरीके से ये ट्रेन दिखती है आप देख सकते हो मतलब ब्यूटीफुल एक इवन यू गेट अ कारपेट टू यू नो गो एन मतलब आप अगर ऊपर जा रहे हो यू आर गेटिंग इन टू द ट्रेन इट इज़ नॉट लाइक नॉर्मल जैसा भाग रहे होते हो एंड पीपल आर सो मच इन हरी नॉर्मल रेलवे स्टेशन पे इट इज नॉट लाइक दैट सो यू गैट अ बहुत प्यारा एक्सपीरियंस पीपल आर देयर टू वेलकम यू सो ये भी क्या है एक लग्जूरियस ट्रेन एक्सपीरियंस है डेलीज आर द वी शुड नो अबाउट दी की क्या क्या ये कवर करता है सो यू गेट टू गो फ्रॉम डेली टू जयपुर टू सवाई मधुपुर टू चित्तौड़गढ़ उदयपुर जैसलमेर जोधपुर भरतपुर आगरा एंड अगेन अगेन टू डेली तो ये एक पूरा टर्न अराउंड फ्लाइट बोल रही थी मैं ट्रेन है ठीक है सो यू गेट टू गो लाइक फ्रॉम डेली से इतनी सारी राजस्थान की ब्यूटिफुल प्लेसेस आपको देखने को मिलती है एंड दीज आर द डेस्टिनेशन आर आर कवर्ड बाय दिस पर्टिकुलर टूरिस्ट ट्रेन जो कि क्या है पैलेस ऑन व्हील्स ऑल द फोर्टीन सैलून आर नेम्ड अब यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है सबसे सब पहले बात तो इसमें सलून है ठीक है मतलब एवरी थिंग इज देयर अगेन जैसे अभी महाराजा एक्सप्रेस में देखा ना आपने वैसे ही सारी फैसिलिटीज इस ट्रेन में भी मिलती है और इस ट्रेन का एक खासियत है कि इसमें फोर्टीन सैलों है और सैलों के नाम किसपे रखे गए हैं डिफरेंट राजस्थान प्रोविंस क्या है वो नाम अलवर भरतपुर बीकानेर बूंदी ढोलपुर देन यू हैव दुंगपुर जयपुर जैसलमेर झालवर जोधपुर किशगन कोटा सिरोई उदयपुर तो इनमें से आई होप आपने कुछ तो सुने ही होंगे लाइक यू मस्ट बी नोइंग अबाउट बीकानेर अबाउट जयपुर जैसलमेर यू मस्ट नो अबाउट कोटा जोधपुर एंड उदयपुर इतना तो पता ही होगा बाकी भी जो हैं वो प्रोविंसेस हैं किसकी राजस्थान की और इन ही provinces पे नाम रखा गया है इन फोर्टीन सेलों का जो कि इस पर्टिकुलर ट्रेन में एग्जिस्ट करते हैं डन ओके okay. नेक्स्ट बात करते हैं समझौता एक्सप्रेस समझौता नाम जो है खुद ही बता रहा है एक अग्रीमेंट है ना तो समझौता एक्सप्रेस जो है दिस इज़ बहुत पुरानी ट्रेन इट वाज स्टार्टेड इन 76 क्लियर और फिर यू you नो know, कुछ ऐसी भी ट्रेन्स है हमारी इंडिया की जो कि पाकिस्तान और इंडिया के जो एक साथ यू you नो know, स्टार्ट की गई थी बट लेटर ऑन कुछ कुछ सेफ्टी रीजन की वजह से या जो कुछ भी हुआ है हैव बीन ट्रेन जो कि बंद कर दी गई हैं या कोई वन वे जो है वो बंद कर दिया गया है कि यहाँ पर नहीं ट्रैवल करेगी या फिर यू नो कुछ कुछ सर्विसेज जो है किसी किसी एरिया की स्टॉप कर दी गई हैं देर आर बीन देरहाबिन न्यूज ऑन द इश्यूज की शायद रीस्टार्ट करने का सोच रहे हैं शायद अब होगी नहीं तो ऐसे भी कुछ फैक्टर्स है जिनकी वजह से भी हमको ये ट्रेन पढ़ना जरूरी है तो अब हम पढ़ रहे हैं समझौता एक्सप्रेस जो कि क्या ट्रांसलेट होता है इन अग्रीमेंट क्लियर सो द समझौता एक्सप्रेस इज अ बा वीकली ट्रेन दैट गोज ऑन थर्सडे एंड मंडे तो पूरे वीक में दो बारी ट्रेवल करती है ट्रेन और वो है थर्सडे और मंडे दैट रन्स बिटवीन डेली एंड अटारी इन इंडिया एंड लाहौर इन पाकिस्तान ठीक है सो so, डेली या अटारी जो है इंडिया की प्लेसेज यहाँ से लाहौर इन पाकिस्तान तक ही ट्रैवल करती है ठीक है तो ये ट्रेन जो है बहुत पुरानी ट्रेन है और ये एक तरीके से अग्रीमेंट हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच इसीलिए इस ट्रेन का नाम रख दिया गया था द समझौता एक्सप्रेस द ट्रेन वॉज स्टार्टेड ऑन ट्वेंटी सेकेंड जुलाई नाइनटीन सेवेंटी सिक्स फॉलोइंग द शिमला अग्रीमेंट एंड रैंक बिटवीन अमृतसर एंड लाहौर तो एक शिमला अग्रीमेंट एक समझौता हुआ था जिसके बीच ये डिसाइड किया गया कि लाहौर तो लिया गया था पहले देख लेते हैं ट्रेन कैसी दिखती है तो इस तरीके से बहुत पुराना ट्रेन है ये पुरानी ट्रेन है पिक्चर समझ में भी आ रहा होगा दिस so इज समझौता एक्सप्रेस अटारी से लाहौर जो बाकी की स्टेशन की हमने प्रीवियसली बात की हुई है क्लियर Due to security reasons, Indian Railways decided to terminate the service at Atari, where customs and immigration clearances टेक प्लेस तो अटारी से सर्विस जो है उसको बंद कर देने का डिसीजन है वो ले लिया इंडियन रेलवे ने क्यों क्योंकि वहाँ कस्टम्स इमिग्रेशन ये सारे क्लियरेंसेज होते हैं तो सेफ्टी रीजन के लिए सो दैट वहाँ पे कोई भी ऐसी अनहोनी ना हो कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो इसीलिए भी ये सर्विसेज टर्मिनेट कर दी गई थी कहाँ अटारी पे क्लियर तो ये जो ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके लिए कि ये जो है कहां से कहां तक रन करती है किस अग्रीमेंट में इसको स्टार्ट किया गया किस ईयर में स्टार्ट किया गया और क्या रीजन था जिसलिए इसको टर्मिनेट किया गया है ऑन फोर्टीथ अप्रैल 2000 इन एन एन अग्रीमेंट बिटवीन इंडियन रेलवे एंड पाकिस्तान रेलवे द डिस्टेंस वॉज रिवाइज टू कवर जस्ट अंडर थ्री किलोमीटर्स तो शायद 25 या कुछ किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होता है इस ट्रेन से मतलब पहले की बात हो रही है जब ये बनी थी फिर इनके बीच में थोड़ा डिस्कशन हुआ बिटवीन इंडियन रेलवे पाकिस्तान रेलवे और फिर ने लोगों ने डिसाइड किया कि सिर्फ किलोमीटर जो है वहीं तक, तक ये डिस्टेंस रन होगा लाइक ट्रेन इज गोइंग टू तो ट्रेवल ओनली तीन किलोमीटर की जर्नी में क्लियर है ऑल राइट नेक्स्ट बात कर रहे हैं महापरिन एक्सप्रेस या फिर इसको ऐसे पढ़ेंगे महापरिनिर्वण एक्सप्रेस ठीक है तो आप थोड़ा थोड़े के पढ़िए तो नाम याद हो जाएगा तीन इसमें हम डिवाइड कर देते हैं वन इज महा देन परी धैन सो महापरि एक्सप्रेस जो है दिस इज द नेक्स्ट ट्रेन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इज अ टूरिस्ट ट्रेन विच वॉज लॉन्च बाय आई आर सी टी सी दैट इज इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिस्ट कारपोरेशन कब स्टार्ट किया गया था इन द ईयर टू थाउजेंड सेवन टू अट्रैक्ट बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स तो जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं जिनकी तीर्थ यात्रा के लिए वो जा रहे हैं तो उन लोगों के लिए ये ट्रेन स्टार्ट की गई थी सो दैट जितने भी बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स हैं वो एक तरीके से ऑब्वियसली टूरिज्म स्टार्ट करने के लिए बिकॉज इज़ वेरी गुड फॉर इकॉनमी एंड यू नो लोगों को पता भी चलता है हाउ ब्यूटिफुल दैट पर्टिकुलर कंट्री इज कहीं पे भी जहाँ पे भी टूरिज्म की बात हो रही है सो so, बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स को तीर्थ यात्रियों को अट्रैक्ट करने के लिए ये ट्रेन जो है वो स्टार्ट की गई थी दो हजार 2007 में बा आई आर नाम क्या रखा गया है महा परी निर्वन एक्सप्रेस इस तरीके की ट्रेन दिखती है आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध का पिक्चर भी है यहाँ पर है ना एक इमेज भी लगी हुई है ट्रेन में लुक्स लाइक इंस टेक्स पैसेंजर्स ऑन एट डे से साइट अक्रॉस नॉर्थ इंडिया इंटरेस्टिंग राइट तो ये जो ट्रेन है वो पूरा आठ दिन का और साथ

टीचिंग्स दी हुई हैं है ना गौतम बुद्ध की बहुत सारी लर्निंग्स अगर आप चाहें तो डेफिनेटली शुड रीड अबाउट देम दे आर ग्रेट तो वो जो टीचिंग्स थी जो फाइनल टीचिंग थी एक्सप्लेनेशन था उसका नाम था क्या महापरिनिर्वण सूत्र और उसी से इस ट्रेन का नाम रखा गया विच इज महापरिनिर्वण एक्सप्रेस क्लियर ओके okay. नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ लाइन एक्सप्रेस लाइफ लाइन का मतलब क्या है ऑब्वियसली जिंदगी एंड स्टाफ है ना तो ये जो ट्रेन है ये बहुत इंटरेस्टिंग है जानना चाहिए आप में से शायद बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा लाइक विच इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रेंज थिंग क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना ठीक है ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है द लाइफ लाइन एक्सप्रेस दिस इज ऑल्सो नोन एज हिंदी में क्या बोलोगे लाइफ लाइन को जीवन है ना सो so, जीवन रेखा सो दिस इज जीवन रेखा एक्सप्रेस क्यों बिकॉज इट इज़ अ हॉस्पिटल ट्रेन इस ट्रेन के अंदर सारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं क्लियर तो ये जो ट्रेन है इट इज नॉट घूमने फिरने की ट्रेन दिस इज समथिंग जो कि जीवन प्रदान करती है इट लाइफ टू पीपल दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट द लाइफलाइन एक्सप्रेस क्लियर सो दिस ट्रेन रन इन इंडिया हो चुकी है बट फिर भी लोगों को नहीं पता है कि ऐसी ट्रेन भी एग्जिस्ट करती है इट इज वर्ल्ड पूरी दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन जो है वो यही है विच इज द लाइफ लाइन एक्सप्रेस जिसे जीवन रेखा कहेंगे इन हिंदी इस तरीके की ये दिखती rainbow, जीवन रेखा ट्रेन इट लुक्स लाइक नॉलेज रीड मोर इट

द ट्रेन कम्स विद एयर कंडीशन कोचेज एंड अदर हाई टेक फेसिलिटीज अलॉन्ग विद द टीम ऑफ डॉक्टर्स ऑन बोर्ड तो इस ट्रेन में आपको ए सी कोचेज मिलते हैं नंबर वन नंबर टू आपको सारी फेसिलिटीज मिलती हैं जो भी जरूरत है किसी के ट्रीटमेंट के लिए नंबर थ्री एक पूरा टीम ऑफ डॉक्टर्स एक्जिस्ट करते हैं ऑब्वियसली नहीं तो ट्रीटमेंट कैसे होगा सो दिस इज हाउ ट्रेन लुक्स लाइक दिस इज हाउ ट्रेन अंदर से दिखती है लाइक कंप्लीट ऐसे हॉस्पिटल बना हुआ है वो भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी का सो पीपल आर ट्रीटेड इन दिस ट्रेन क्लियर ओके नेक्स्ट इज द मेत्री एक्सप्रेस सो आई होप लाइफलाइन एक्सप्रेस वाला क्लियर हो गया फंडा अब बात करते हैं मेत्री एक्सप्रेस की सो द मेत्री एक्सप्रेस ट्रेन विच इज प्रनाउंसड एज मो थ्री एक्सप्रेस इज द फर्स्ट मॉडर्न डे फुल्ली एयर कंडीशन मतलब ये जो टर्म है ना ये बंगाली में प्रोवाइड यू नो प्रनाउंस किया जाता है इस ट्रेन का नाम ऐसे सो दिस इज हाउ ये भी अगर नाम आ जाता है सो डोंट वरी है ना बट दिस इज वॉट द मेत्री एक्सप्रेस दैट्स इट दिस इज फुल्ली ए सी लाइक एयर कंडीशनर्ड इंटरनेशनल एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस कनेक्टिंग ढाका इन बांग्लादेश टू कोलकाता इन इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल सो बांग्लादेश का जो ढाका है ठीक है जहाँ सार्क स्टार्ट किया गया था अगर याद हो तो है ना वहाँ से कनेक्ट की जाती है ट्रेन टू इंडियन स्टेट जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर ठीक है सो so, कोलकाता में कोलकाता तक आती है ये वेस्ट बंगाल में एंड ढाका से फ्रॉम बांग्लादेश तो इसीलिए भी ये बंगाली में प्रोनाउंस करके जो ये वर्ड दिया है वो इसीलिए दिया ताकि आपको ये दोनों नाम याद हो जाए कि कहाँ से कहाँ तक ये इसको कनेक्ट करती है

ईव्स होती हैं जब डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज या डिफरेंट लोगों की यू नो न्यू ईयर मनाया जाता है सो बंगाली न्यू ईयर जो है वो 14 अप्रैल को आता है और 2008 में इसी दिन पे ये जो ट्रेन है इसका इनाग्रेशन किया गया था ट्रेन के बारे में हम उसकी इमेज को डिस्कस करना भूल गए हैं सो दिस इज़ हाउ दिस ट्रेन लुक्स लाइक विच इज़ मैथ्री एक्सप्रेस ठीक है अलग ही दिखती है ये ट्रेन सो इट कैन बी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर इट द थार एक्सप्रेस नेक्स्ट बात करें हैं थार एक्सप्रेस की द थार एक्सप्रेस वॉज एन इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रेन दैट रन बिटवीन द भगत की कोठी अ सब अर्बन एरिया ऑफ जोधपुर इन द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान एंड कराची कैंटनमेंट ऑफ कराची इन पाकिस्तान प्रोविंस ऑफ सिंध तो ये जो पर्टिकुलर ट्रेन है विच इज़ द एक्सप्रेस ये जो है कनेक्ट कर रही थी जोधपुर विथ कराची पाकिस्तान ठीक है तो ये आप याद रख लीजिए या फिर आपको पूरा याद रखना है तो कैन रिमेंबर भगत की कोठी से लेकर जो कराची कैंटोनमेंट है वहां तक ये ट्रेन कनेक्ट करती है यानी अगेन दिस इज वन मोर ट्रेन जिसकी सर्विसेज जो है वो किस किस एरिया में बंद कर दी गई है इस इस दिस इज हाउ दिस ट्रेन लुक्स लाइक बहुत पुरानी ट्रेन है ये भी द नेम ऑफ द ट्रेन इज डिराइव फ्रॉम द थार डेजर्ट ऑब्वियसली सबको पता है थार डेजर्ट क्या है अ सब कॉन्टिनेंटल डेजर्ट विच लाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट

नेक्स्ट बात करते हैं द गोल्डन चैरियट एक रथ को कहते हैं हम चैरियट और गोल्डन दिस इज द लग्जूरियस टूरिस्ट ट्रेन देख भी सकते हो ट्रेन को देख के पता चल रहा है ये लग्जूरियस ट्रेन है दैट कनेक्ट द इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स इन द इंडियन स्टेट्स ऑफ कर्नाटका गोवा रला एंड तमिलनाडु एज वेल एज पॉंडीचेरी डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्टेड आइटिनरी आइटिनरी मतलब होता है आपका ट्रैवल प्लान तो आपका जो भी ट्रैवल प्लान है जो भी आपने चूज किया कि हमें हां से हां तक ट्रैवल करना है उस हिसाब से ये डिफरेंट डिफरेंट टूरिस्ट स्पॉट्स पे तो आपको लेके जाती है ट्रेन इट टेक्स यू टू देन गोवा देन केरला देन तमिलनाडु एंड एन डिपेंडिंग आपने क्या क्या सिलेक्ट किया आपको कहां से कहाँ घूमने जाना है इट इज नेम्ड आफ्टर द स्टोन चैरियट इन द विथला टेम्पल एट हम्पी ठीक है तो विथला टेम्पल हम्पी जो है हमने इंडियन करेंसी में हम्पी के बारे में पढ़ा हुआ है इफ यू रिमेंबर तो वहां पर एक स्टोन चैरियट है जिसके ऊपर ये नाम रखा गया है विच इज द गोल्डन क्लियर? ओके

साथ ही साथ जो मेपल ग्रुप है वो पूरी हॉस्पिटैलिटी लोगों का ध्यान रखना लोगों को सब कुछ प्रोवाइड करना इस ट्रेन में वो पूरा हैंडल जो है वो यही ग्रुप करता है दैट इज द मेपल ग्रुप क्लियर ओके सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द ओवरऑल डिस्कशन ऑन डिफरेंट अमेजिंग ट्रेन्स ट्रेन राइड्स

और जो लग्जूरियस ट्रेन है उनके बारे में आपको पता चला है स्पेसिफिकली आई थिंक यू विल बी शॉक्ड बाय द सर्विसेज एंड ऑल्सो देर इज अ अफ लाइन एक्सप्रेस वो भी आपको पता चल गया सो आई होप दिस इज नाउ वन मोर थिंग इज टू योर बट वी हैव एंडेड द टॉपिक नॉट द वीडियो येट बिकॉज एक और चीज है जिसे हमें जल्दी से डिस्कस करना वो ये है कि आपको यूट्यूब पे मैग्नेट ब्रेन से कोई भी टॉपिक पढ़ना होता है आप क्या करते हैं आप जाते हैं मैग्नेट बेन पे यू सर्च फॉर द टॉपिक एंड यू स्टडी फ्रॉम इट बट कभी कभी ऐसा होता है शायद आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है आपको नहीं पता है कि यू नो किस नाम से सर्च करें या क्या ऑर्डर है या फिर कुछ जो नए नए हैं अभी अभी जुड़े हैं हमारी की के साथ तो उनको भी शायद नहीं पता हो कि कैसे आप तो विजिट कर लेते हैं चीज़ें अवेलेबल हैं जो कुछ भी कवर करते हैं टीचर्स एवरी यू गेट और वो भी प्रॉपर ऑर्डर में आपको मेंशन है आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं दैट यू आपको सिर्फ कुछ क्लिक करना होता है वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू कैसे क्या करना है आपको जाना है गूगल पे टाइप करना है मैग्नेट्रीन जो वेबसाइट है जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे ये पेज है जो डिस्प्ले होगा नाउ ऑन दिस पेज अगर आप ध्यान से देखो आपको सारी क्लासेस एक प्रॉपर ऑर्डर में मेंशन होती हैं दैट इज फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12th आपके पास सारे ऑप्शंस हैं आपको बस क्लिक करना है एंड देन यू गेट द वीडियोस सपोज आप पढ़ना चाहते हो क्लास 8th जनरल नॉलेज आप क्या करोगे आप क्लास 8th पे क्लिक करोगे

To very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.